दोस्तों अगले राउंड की जानिब चलते हैं, तैयार रहे जी। अगले राउंड का पहला सवाल जी टैक्सी कैश, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध इज लोकेटेड इन विच सिटी? हैदराबाद। हैदराबाद मैं लॉक कर सकता हूँ? नहीं लॉग नहीं है। इतनी जल्दी में क्यों है आप? हमें लेट हम हो रहे हैं, आप थोड़ी हो रहे हैं। आप तो अपना पूरा टाइम परफॉर्म करो ना जो आपका है। हैदराबाद। हैदराबाद नहीं है ना खास से। फिर जामिया सिंध किस शहर में वाक़ है? यार वो उसने एडमिशन कहाँ लिया है? नहीं हैदर ने नहीं, वो अली ने जहाँ एडमिशन लिया उसका नाम क्या है, कौन सी सिटी है हैदराबाद के बाद? जामशोरो। यस जामशोरो। इन्होंने जवाब दिया जामशोरो। सही है या गलत? बिल्कुल सही है, जामशोरो। यस यस। आपका अगला सवाल, द ओल्ड नेम ऑफ द कराकोरम हाईवे वाज व्हाट? कराकोरम हाईवे, मैं गया हूँ एक मिनट। कराकोरम हाईवे का जो पुराना नाम था, कराकोरम हाईवे के बारे में मुझे मालूमात तो बहुत है, पर इसका ओल्ड नेम मेरे ख्याल से सिल्क रोड। लॉक करें आप। टैक्सी कैश लॉक करते हैं जी, बताइए सही है या गलत? बिल्कुल सही है, सिल्क रोड इज द ओल्ड नेम ऑफ द कराकोरम हाईवे। तजारत के हवाले से इसका बहुत अहम किरदार रहा है। टैक्सी कैश नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम पाकिस्तान्स फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर। पीटीवी। Yes, I knew. नहीं, ये पीटीवी तो वो है ना चैनल है, ये वो क्या चैनल न्यूज़पेपर, सबसे पहला न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर डॉन। तो पीटीवी का न्यूज़पेपर नहीं निकलता था सबसे पहला। टैक्सी कैश इन्होंने कहा डॉन पेपर, सही है या गलत? बिल्कुल सही है, डॉन न्यूज़पेपर, फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, पाकिस्तान का सबसे पहले अंग्रेजी जुबान में अखबार छपा था। वेल प्लेड, वेल डन। टैक्सी कैश सवाल प्लीज, हु बिल्ट जीटी रोड? जीटी रोड को किसने बनाया था? जीटी रोड है कहाँ, गए ही नहीं मैं कभी शायद। आप वैसे लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास 3 लाइफलाइंस मौजूद हैं। फ्लिप द क्वेश्चन, गिव मी 2 आंसर्स एंड स्ट्रीट शाउट आउट। अगर आप चाहें तो एक लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि आप फंस रहे हैं। लाइफलाइन दे दें हमें। कौन सा लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं? फ्लिप द क्वेश्चन। टैक्सी कैश ये लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, फ्लिप द क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लाइफलाइन को इस्तेमाल करें, अभी मुझे बताएं कि कोई रिस्क तो है नहीं, अगर आपको जवाब देना होता तो आप क्या जवाब देते? मैं तो सीपैक के जो मतलब सीपैक कौन बना रहा है, चाइना मेरे ख्याल से, चाइना ने मेरे ख्याल से बनाया है जीटी रोड भी मेरे ख्याल से। अगर आप चाइना लॉक करते तो आपके नाम के साथ पहला स्ट्राइक लग जाता क्योंकि ये जवाब गलत है। फ्लिप द क्वेश्चन से पहले आपको सही जवाब बता दूं, शेर शाह सूरी। ऑलराइट लेट्स मूव ऑन, लाइफलाइन फ्लिप द क्वेश्चन प्लीज। टैक्सी कैश व्हाट कलर डू वी गेट व्हेन वी मिक्स रेड एंड ब्लू? जब आप लाल रंग और नीले रंग को मिक्स करते हैं क्या रंग बनता है? कहाँ से लाते हैं ऐसे हार्डेड क्वेश्चन आप लोग? मैं आंसर दे सकती हूँ क्योंकि मैं फैशन डिजाइनिंग पढ़ रही हूँ, स्टडी कर रही हूँ, तो उसके अंदर कलरिंग की बहुत ज़्यादा नॉलेज दी जाती है। तो आई थिंक रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो पर्पल कलर बनेगा, और एक और कलर इससे, यस, और एक और कलर इससे बनता है वो है वायलेट कलर। और ये कलर जो होते हैं ये बेसिकली सेकेंडरी कलर्स कहलाते हैं। इनका जवाब है पर्पल। लॉक करें पर्पल। यस रेड एंड ब्लू बिल्कुल सही है, पर्पल इज द करेक्ट आंसर। Red and blue make purple. आपका सवाल है, how many stock exchanges in Pakistan? Stock exchange. मेरे ख्याल से हर सुबह में दो दो हैं। हाँ, हर सुबह में दो दो stock exchange हैं. Total 8 हैं, 8. लेकिन पांच सुबह कहाँ से? 4 सुबह हैं और अगर तुम दो दो stock exchange लगाओ ना तो 8 स्टॉक एक्सचेंज बनते हैं पूरे पाकिस्तान। अगर 4 सूबे तो 8 हो गए और अगर 5 सूबे तो 10 हो गए। 5 सूबे। अभी मुझे कंफ्यूजन नजर आ रही क्योंकि मुझे दो नंबर्स मिल रहे हैं, 8, 10, 8, 10। आप क्या चाह रहे हैं, मतलब क्या लॉजिक है आपकी, 8 क्यों है, 10 क्यों है? 5 सूबे क्योंकि अभी हमारी बात हुई इसके ऊपर। 5 सूबे तो फिर 10 हैं खालिद भाई, 10 को लॉक कर दें। टैक्सी कैश ने कहा 10, सही है गलत? आपका ये जवाब बिल्कुल गलत है।
स्ट्राइक आपके नाम के साथ। पहला स्ट्राइक। सही जवाब वैसे है तीन। टोटल नंबर ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस पाकिस्तान में है तीन। अगला सवाल, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट? एक शख्स था ना जो इसके पहाड़ के टॉप पे गया था और रिकॉर्ड क्लाइम किया था, उसने क्या नाम था? माउंट तो इस पहाड़ को कहते हैं। उसका नाम था ना, क्या नाम था उनका? हाइट कितनी होगी? नाप गई हो कभी? नहीं, कभी भी नहीं यार। 27,000 के करीब या फिर उससे ज्यादा भी हो सकती है। ये जो आप नंबर बता रही है फीट में है या मीटर्स में? यार 29,000 फीट भी हो सकती है। कंफ्यूजन है। क्या करें? लाइफलाइन है? लाइफलाइन नहीं। लॉक करें? नहीं। फिर क्या करें? सोचते हैं। सोचने में टाइम नहीं। 29,000 फीट के करीब करीब हो सकती है। 29,000 फीट। 29,000। खालिद भाई बिस्मिल्लाह करके लॉक करें। उरूज कह रही 29,000 फीट। क्या मैं ये लॉक कर लूं? नहीं। नहीं? क्या मतलब नहीं? लॉक नहीं करें? क्या करें? कर दो, अल्लाह मान लिया। कर दें खालिद भाई? ठीक है, टैक्सी कैश कह रहे 29,000 फीट। बिल्कुल सही है। तो कभी जा रहे हैं तुम्हारा? तो कब चल रहा है तुम्हारा? एग्जैक्ट जो फिगर है 29,031 feet. But we'll accept your answer. Ek minute mein. Insta show with me, Mathira. Aakhri khiladi kaun? Thanks, you catch. किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।